सीहोर जिले के आष्टा निवासी व्यापारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेमा परमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मनोज परमार ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट छोड़ा है, तो सुसाइड नोट का पुलिस परीक्षण कर रही है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही ईडी ने इनके घर पर छापा मारकर चल अचल संपत्ति को सीज किया था। हालांकि इस मामले में अभी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। वहीं पिछले दिनों मनोज परमार ने बच्चों के साथ राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में एक गुल्लक भेंट की थी, जिसके बाद वह चर्चा में आए थे। इसके अलावा मनोज परमार राहुल गांधी और कई बड़े कांग्रेसियों के बहुत करीबी माने जाते हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इस पूरे मामले को लेकर सक्रिय हुए और आष्टा पहुंचे। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनका साथ में लेकर हम पूरे मामले की विवेचना कर रहे हैं। देखिए, आज हमारे आष्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनोज परमार और उनकी पत्नी द्वारा सुबह आत्महत्या करने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिस पर हमारी पूरी टीम और जितनी हमारी तकनीकी टीमें हैं, फॉरेंसिक, फिंगरप्रिंट, ये सभी स्पॉट पे पहुंची हैं। अभी इनका पीएम चल रहा है और उसके उपरांत जो भी आगे की कार्रवाई, अंतिम संस्कार आदि की प्रक्रिया की जाएगी, पूरी टीम इसमें मौके पे है। जो भी तकनीकी शाखाएं हैं वो देख रही हैं और जो भी इसमें तथ्य साक्ष्य सामने आ रहे हैं उसको परीक्षण में लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई आगे की जाएगी। देखिए, मौके से कई चीजें बरामद हुई हैं, जैसा मैंने कहा, चूंकि विवेचना का विषय है, टीम ने उसको परीक्षण में लिया है और जैसा उसमें तथ्य निकल के आएंगे कार्रवाई की जाएगी।